सो हेलो मेरे भाई दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आए हो सब लोग भाई अच्छे होंगे। और हाँ मेरे भाई, आज मेरी थोड़ी तबीयत मतलब थोड़ी सी ख़राब लग रही है, इसलिए ना भाई क्योंकि वॉइस ओवर भी देख लो भाई, बहुत मतलब काफ़ी आवाज़ मतलब डल लग रही है ना मेरे को भाई। मेरे को भी आवाज़ मेरी डल ही लग रही है, क्योंकि आज यार कुछ ज़्यादा दिक्कत हो गई, कोई फीवर वीवर थोड़ा सा आ गया भाई। तो मैं तो भाई गेम भी बनाने के लिए मतलब नहीं मेरा मन कर रहा था, लेकिन तब भी मैंने सोचा भाई गेम बना ले भाई, क्योंकि वॉइस ओवर भाई करने में भी प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि यार दिक्कत बहुत थी। अब देख लो मैं टाइटल में आता हूँ, और मैंने वॉइस ओवर इसलिए कर देना क्योंकि मेरे कई भाई हैं जो मेरी कमेंट्री देखने आते हैं और मेरा गेम प्ले, तो मैंने कहा भाई कर दे रहे हैं, हाँ जी की बात है, कल तक क्या पता ठीक हो जाऊँ। अब फुटमार्क्स भाई सामने से आता है, बहुत देर बाद आया, लेकिन अब इस बंदे को सुबह मेरे फाइट लेते हैं, देखते हैं। अब इसको भाई मैं जैसे मैं नॉक करता हूँ, फिनिश तो मैं करने से रहा, क्योंकि भाई मेरी हेल्थ आप देख ही सकते हैं। मैं ओपन साइड में जाता हूँ और मुझे पता होता है कि इसका सेकंड बंदा जरूर से आएगा, तो मैं अपनी हेल्थ किट मतलब पूरी लगाता हूँ और नीचे के साइड में वापस जाता हूँ एक एम रिलोड करके। और अब देखना भाई रिवाइव चल रहा होता है, मुझे पता शांति भाई रिवाइव भी चल रहा होगा। अब इन दोनों को भाई मेरे में इजीली यहाँ से निपटा देता हूँ। इजीली क्या भाई, जब रिवाइव करते समय या तो फिर आपका एम बेटर हो तो आप मतलब फाइट ले भी सकते हो। अब मैं यहाँ के साथ जैसे आगे आता हूँ, अब M16A4 से भाई एक गन साउंड आता है, जो कि ये बंदे भाई मतलब इस क्या बोलते हैं उसको स्पोर्ट्स यहाँ आए थे मेरे भाई, क्योंकि इन लोगों की गाड़ी जो थी ना वही खड़ी थी। अब मैं वेट करता हूँ थोड़ी देर की, मतलब चेक करता हूँ कि ये रियल हैं या कितनी दूर है यहाँ से। तो मेरे को पता भाई थर्ड हिल में या पास में ही होंगे ये लोग, थर्ड पार्टी भी करने आ सकते हैं, क्योंकि ई स्पोर्ट्स से अधिकतर लोग थर्ड पार्टी करने आते हैं। और मैंने सोचा वेट कर लेता थोड़ा, जैसे मैं नीचे साइड में आया, अब भाई मेरे को जो मेरा टीममेट है ना भाई, ये जो स्क्रैल चला रहा है, अब मेरे को इन दोनों में कन्फ्यूजन थी। मैंने कहा स्क्रैल तू चला रहा है या कहीं और चल रही, लेकिन मैंने देखा जब भाई ये M4 जब ये चला रहा है, मैं समझ गया कि बंदे यहाँ हैं। और अभी देखना भाई थोड़ी देर में आप लोगों को पता चल जाएगा। जैसे मैं ये पेड़ कवर लेता हूँ, देखना भाई दिख गया ना सामने बंदा। और भाई लूटते टाइम अगर भाई आप इतने ज़्यादा मेच्योर हैं, मतलब इतने ज़्यादा स्पेशल होंगे भाई, मेरे कहने का मतलब ये खास होंगे तो ही बच पाएंगे। मेरा खास मतलब ये खेलने का एक्सपीरियंस अगर होगा भाई मेरे, तो बच पाएंगे। अब डायरेक्ट चलते हैं भाई इनके ऊपर पुश करने, क्योंकि मुझे पता है ये रिवाइव यहाँ भी चल रहा होगा, और जब रिवाइव चलता है तो बहुत इजी होता है मारने के लिए। तो भाई इन दोनों को देखो मैं मार देता हूँ। और प्लीज़ मेरे भाई यार वॉइस को लेकर आप लोग जो चाहो वो बोल सकते हो, क्योंकि आज मैं बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, बस मैं इतने स्लो स्लो बोल रहा हूँ कि मुझे खुद नहीं पता कि मैं बोल क्या रहा हूँ। अब मैं यहाँ की साइड में आता हूँ, यहाँ भाई मेरे एक मतलब एक पहले से यूएजेड खड़ी रहती और फाइट यहाँ बहुत भयानक वाली होती। और अब देखना भाई मैंने यहाँ पे मैंने ग्रेनेड इसलिए भाई वहाँ पे किया, क्योंकि वहाँ पे TPP लोग मतलब ऑलमोस्ट लेते हैं, मतलब वहीं लेते हैं, तो मैंने सोचा भाई वहीं करते हैं। अब वहाँ कुछ नहीं हुआ तो मैंने सोचा भाई छत पे कर देते हैं। अब एक बार मेरे को लगा भाई मेरे कि मतलब कुछ गड़बड़ है, क्योंकि ना फोर मार्क्स आ रहा, बट देखा भाई जब नीचे आया तो वो मेरे भाई यहाँ कुछ और ही निकलता है। अब इतने भाई मैंने उसको लिट कर दिया था, मतलब दो चार गोली का होगा या बहुत ज़्यादा खींच के अगर अच्छे से एम अगर हो जाएगा तो दो चार हेड, एक ही हेड लग जाएगा तो बंदा मतलब डाउन हो जाएगा। फिलहाल तो भाई वो ऑलरेड हुआ, इसका मतलब यहाँ पे लोगों की स्क्वाड में सिर्फ एक ही बंदा बचा था। अब देख लो मैं सामने तब स्पॉन करता हूँ और ये बंदा मतलब भाई जा रहा था, और गन साउंड से मेरे भाई आप लोगों को पता चल गया होगा, इसलिए मैं ग्रेनेड करता हूँ। और इसलिए ग्रेनेड करता हूँ क्योंकि पहले इस ग्रेनेड से मतलब भाई देख लो भाई पूरा मतलब मैंने मुझे पता था भाई यहीं पे होगा। अब दूसरी बात कर ले मैंने इसलिए क्योंकि मुझे डर था भाई एस्ट्रॉल के ना हो कहीं पूरी गेम की ऐसी तैसी हो जाए। अब फिलहाल तो मेरे भाई मैं यहाँ पे मतलब पूरी अपनी हेल्थ किट वगैरह लगा लेता हूँ और देखता हूँ तो कि बंदे हैं या नहीं है। और अब देख लो भाई मेरे आप लोगों को भाई एक सेंटर रोड के साइड में मतलब एक गन साउंड आया होगा। अब मैंने ये सोचा कि भाई बंदे वहाँ होंगे तो मैं आता भी यहाँ पे, लेकिन यहाँ बंदे मेरे को मिलते नहीं भाई, पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। अब देख लो मैं कहाँ जाने वाला हूँ भाई, जस्ट सामने से ले घर पे जाने वाला जहाँ पे एक यूजेट खड़ी है। और अभी ना हम लोगों को मतलब मज़ा आने वाला, मतलब मैं समझता हूँ ये बेस्ट कैंपर है भाई मेरे, देखना भी। अब ये तो एक बोट होता है मेरे भाई, अब मैं अंधोड़ों तरह घुसता हूँ, एक हेल्थ किट यहाँ से उठाता हूँ और Level 3 का हेलमेट, और आप देखना दोनों को। भाई मेरे ऐसे चिपक रखे थे, मतलब अगर ये मूवमेंट वगैरह करते तो मैं शायद अपने नेट से इन दोनों को मार देता, क्योंकि मुझे पता है भाई लोकेशन। और हाँ मेरे भाई मैं एयरफोन से नहीं खेलता, मैंने आप लोगों से बहुत पहले बताया, बट मैं फुटमार्क से मैं जितना मेरे को एक्सपीरियंस है मैं उससे ही खेलता हूँ भाई, मेरे अपना माइंड घुमाता रहता हूँ कि नहीं बंदा यहाँ होगा वहाँ होगा। और आप लोगों को पता ना भाई मेरे गेम प्ले कैसा है, क्योंकि बहुत लोग अभी कल मैंने भाई स्किल्स और स्किन की बात की थी तो बहुत मेरे भाइयों ने कमेंट किया कि भाई स्किल्स इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि स्किन तो हम लोग कभी भी खरीद लेंगे। तो हाँ मेरा भी भाई कहना यही है कि स्किल्स ही इंपॉर्टेंट होती हैं। अब मेरे भाई देखो मैं इधर साइड में आया था और इस गाड़ी पर डैमेज वगैरह काफ़ी पड़ रहा था, तो मैं सोचता हूँ पहले विलेज लोग लपेटूँ या पहले इनको लपेटूँ।
अब मुझे इतना पता है, मैं जितना स्कोप हूँ यहाँ से करने में फाइट लूँगा, उत्तीर में तो भाई मुझे K9 मार के आधी हेल्थ तो कर ही देगा। रिक्स लेते हैं मेरे भाई, और गाली तो भाई लोग ने K9 मार के दगाई दी थी, अब दगी नहीं मतलब जला दी थी। अब मैं सोचता हूँ कि एक यहाँ से मोली कर दूँ, क्योंकि मोली करेक्ट मैंने की। अब देखो इसकी भाई मेरे थोड़ी सी हल्का सा बॉडी शो हुआ, गनमन दिख रही, तो मैंने यहाँ पे एक मोली कर दी। अब इस मोली से भाई मेरे जलना तो भाई बनता है यार। तो बस मेरे भाई, अब मैं अंधोत्रा यहाँ भी घुसता हूँ और पहले यहाँ चेक कर लेता हूँ कि इसके पास स्टॉल की तो नहीं है कहीं, जैसा स्टॉल की नहीं होती है। अब यहाँ मेरे भाई एम भी मेरे को बनाने में दिक्कत हो रही थी भाई मेरे, क्योंकि लैग हो रहा था। और अगर आप नॉर्मल भी गेम खेल लोगे, आपके पास अगर 3-32 है, तो मेरे भाई तब भी भयानक अल्लाह ही लैग होगा। मैं तो ये भाई लास्ट का जोन समझता हूँ या सेकंड जोन। अब देखो मैं रिक्स वगैरह लेके भाई इधर सर ने वापस आता हूँ इसी गाड़ी को लेके। अब डर तो एक था मेरे भाई, क्योंकि डर इसलिए था ना क्योंकि अगर ये गाड़ी दगेगी तो मेरा पूरा गेम ही बर्बाद हो जाएगा। तो मैं भाई मेरे इधर साइड में आता हूँ और मैंने सोच लिया बेटे कोई दिक्कत नहीं है, तू भी नहीं जा पाएगा, मैं भी नहीं जा पाऊँगा, चल हिल बैटल कर लेते हैं। लेकिन मैंने सोचा कि यार इससे हिल बैटल करेंगे तो चिकन कम निकालेंगे, और मेरे और उसके होते सिर्फ 2 बंदे बचे होते हैं, जिनमें से भाई मेरे ये देखना भी ये जो नॉक हुआ है ना अभी, मतलब अभी नॉक नहीं हुआ अभी जब होने वाला, मैंने अपने टीममेट से बोल दिया कि भाई मैं हेल्थ केयर लगा के आगे की साइड में निकलता हूँ, तू इसको देख लियो बस, अगर ये मेरे को स्प्रे दे तो उसको नॉक कर देना। और यही होता है देखना मेरे भाई। अब मेरे टीममेट ने इसको नॉक कर दिया। अब मैं सोच के यहाँ पे गया था भाई कि क्या पता इसका सेकंड टीममेट हो, गेम यही खत्म हो जाए, बट मेरे भाई इसका सेकंड टीममेट नहीं होता। तो मैं अपने टीममेट को भाई यहाँ से बैठाता हूँ और यहाँ से बैठाने के बाद निकल रहा होता हूँ, लेकिन मैं अकेले जाऊँगा। आप लोग सोच रहे हैं खेलें क्यों भाई, देखा ना वो जोन से ही नॉक हो गया। अब एक बचता है ये मतलब डीपी वाला, और ये कौन होता है जो भाई वो जो था ना भाई यार जो एक आगे जो भी नॉक किया मेरे टीममेट ने, ये उसी का बंदा होता है। अब मैं काफ़ी कन्फ्यूजन में था कि मैं गाड़ी लेके मतलब भाई जोन में जाऊँगा कि देख लो, जोन में जहाँ था मैं वहीं से यहाँ नीचे चला आया। अब मैंने सोचा कि यार मैं बग्घे लेके जाऊँगा तो डर था ना कहीं उतार ना दे मेरे को भाई। तो मैं यहाँ पे देखो ये जो 4-5 ड्रम है ना इनका कवर लेता हूँ, और बंदा देखना भाई मेरे कहाँ होता है। लेजी बंदा था, लेकिन तब भी अगर आप जोन में फाइट लोगे ना तो एडवांटेज आपके पास कम होगा फाइट लेने का और विन करने का। अब मेरा ये एम हम लोगों को कैसा लगा मेरे भाई, मैं जिगल कर रहा हूँ बट मेरे भाई मतलब मेरा एम ऑटोमेटिक उस पर चिपक गया। सो मेरे भाई वो आज के गेम प्ले में इतना ही था, और मैंने बोला था कि मैं तबाहीदार गेम प्ले दूंगा, अब इतना तबाहीदार नहीं था बट अच्छा तो था मेरे भाई। सो लव यू मेरे भाइयों, और प्लीज़ मेरे भाई सब्सक्राइबर करवा दो, बहुत मेहनत लग रही है यार। और बस मेरे इतना ही था आज के गेम प्ले में। बाय मेरे भाइयों, मैं चलता हूँ अब।